पलके झुके तो नमन हो जाए, मस्तक झुके तो वंदन हो जाए। पलके झुके तो नमन हो जाए, मस्तक झुके तो वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ श्रुति जावे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में उतना ही महत्व है जितना कि होली और दिवाली का। ये त्यौहार नीले और काले रंग के मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की खुशी में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आधी रात को लिया था। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है क्योंकि कहीं पर जन्माष्टमी 18 अगस्त तो कहीं पर 19 अगस्त को मनाई जा रही है। अगर बात करें मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ इस्कॉन मंदिरों की, तो वहां पर 19 अगस्त को कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ज्योतिषों का गणित भी 19 तारीख को जन्माष्टमी के लिए श्रेष्ठ बता रहा है। इसीलिए उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर 19 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर 8 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा 400 साल बाद हो रहा है। अष्टमी तिथि 18 अगस्त को पूरे दिन न होकर रात में करीब 9:30 से शुरू होगी, लेकिन 19 अगस्त को सुबह से रात तक रहेगी। यही कारण है कि ज्यादातर मंदिरों में 19 तारीख को यह त्योहार मनाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि व्रत और पर्वों की तारीख तय करने के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के दो ग्रंथों की मदद ली जाती है। इन दोनों ही ग्रंथों में जन्माष्टमी के लिए कहा गया है जिस दिन सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि हो उसी दिन ये त्योहार मनाना ज्यादा शुभ होता है। जब इस विषय को लेकर पानीपत के पंडितों से चर्चा की गई तो उनका कहना भी ये है कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। तो आप बताइए कि आप जन्माष्टमी का त्योहार 18 अगस्त को मना रहे हैं या 19 अगस्त को, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपके वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बनकर पालकियों में सजते हैं या नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियाँ जानने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार। गाँव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे, या सरकार की योजनाएं गाँव में हो रही है पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे। गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।